हमें पता लगा कुछ गुप्त सूत्रों से, उससे 300 करोड़ रुपए की मांग की और एक लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उसको कहा गया। अब देखो, वैसे तो ये धरना प्रदर्शन एक सामाजिक धरना प्रदर्शन है, लेकिन इसी के माध्यम से किस प्रकार से सरकार इस देश को चलाना चाहती है। मैदान में उस समय हम भी भारतीय जनता पार्टी में थे। मोदी जी ने कहा था कि कुछ लोग अपनी तिजोरी में पैसा रखते हैं, लेकिन यहां पर तो एक सांसद अपनी तिजोरी में कोला रखता है। और मोदी जी ने एक सूची बनाई थी, वो बहुत लंबी चौड़ी सूची थी, एक काला धन लाएंगे और देश भी। और जो काला धन वाले बड़े बड़े व्यापारी थे, वो उनका काला धन कहाँ गया, ये बड़ा सोचने का और चिंता का विषय है। अभी कुछ दिन पहले एक तब हमें पता लगा कुछ गुप्त सूत्रों से, उससे 300 करोड़ रुपए की मांग की और एक लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उसको कहा गया। अब देखो, वैसे तो ये धरना प्रदर्शन एक सामाजिक धरना प्रदर्शन है, लेकिन इसी के माध्यम से किस प्रकार से सरकार इस देश को चलाना चाहती है। मैदान में उस समय हम भी भारतीय जनता पार्टी में थे। मोदी जी ने कहा था कि कुछ लोग अपनी तिजोरी में पैसा रखते हैं, लेकिन यहां पर तो एक सांसद अपनी तिजोरी में कोला रखता है। और मोदी जी ने एक सूची बनाई थी, वो बहुत लंबी चौड़ी सूची थी, एक काला धन लाएंगे और देश भी। और जो काला धन वाले बड़े बड़े व्यापारी थे, वो उनका काला धन कहाँ गया, ये बड़ा सोचने का और चिंता का विषय है। अभी कुछ दिन पहले